10:47 हो चुके हैं, काशिफ हमजा और सलमान गायब हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है रात, इसके बाद उन्होंने ले जानी है बाथरूम में, यहीं रह जाना है। सामान हम ले आए और मुझे शदीद अफसोस हो रहा है उन दो लड़कों पे जो तो छोटे छोटे हैं, उनके साथ के कपड़े भी नहीं मिलते और आप जो है वो इधर उधर टहलते कर रहे हैं, हम संभाले भी जा रहे हैं, बात वाले सिर्फ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पता नहीं है कि अभी उन्होंने कब आ रहे हैं और मुँह धो रहे हैं अल्लाह की शान ही है, वैसे वो भी मुँह धो रहे हैं, ये सुस्ती के हमारे दो आ गए हैं मुँह धो के, क्या कर रहे थे ये वाला भी रख दो बस में बैठ गए हैं। आई एम होपिंग यहाँ पे वो वाली लाइट्स आएंगी, येलो वाली, ये रेड लाइट्स हैं, वैसे शायद मेरे फेस पर कोई रेड एक्सेंट आ रहा हो लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, मैं जो ये स्क्रीन अगर चल जाए भाई सवाल उठाओ इसको बुक कराते हैं नीचे रख के आना, हमारे बैग पड़े हैं यहां, ओके जी सामान यहाँ पे नहीं आना तो ये नीचे पाने पड़ेंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे तो बस वाले अंकल से बेइज्जती करवाने के बाद हमने अंधेरी रात में सफ़र किया और एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम लोग कलर का हार और यहाँ पर ये लाइट अच्छी लग रही है मुझे, अच्छा लग रहा है ना, मतलब ये मज़ेदार सीन है भी, मैं इस काबिल हूँ कि मेरे हाथ जो हैं वो इतने गर्म है या कि वो ये फ़ोन पकड़ लें, लेकिन थोड़ी देर और आगे जाएंगे ना मानसेरा के पास तो -1 -2 टेम्परेचर है मानसेरा के करीब, तो आई माइट नॉट बी एबल टू शूट आउटडोर्स और वैसे भी उस टाइम लाइट काफ़ी कम होगी, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जैसे ही हम लोग मानसेरा पहुँचें तो आई विल गेट इन टच विद दिस कैमरा अगेन। कुछ लोगों को ना मंठारों में सफ़र करने की आदत इतनी हो चुकी होती है कि उनको रास ही नहीं आता कि वो मतलब अच्छी बस में बैठ के सफ़र कर लें, मैंने आके इस शख्स को बताया अभी कि बाहर अच्छा मौसम है, मज़ेदार मीठी मीठी ठंड है, कहता छत पे बैठ जा जाके, ओ भाई कोई दसो इनू यदि छत नहीं होती भाई एक बंदे को इतना अच्छा मौसम लग रहा है तो उसके लिए अच्छी सलाह ये है कि वो ऊपर बैठ जाए, और अगर ये कह रहा है कि इसकी छत नहीं होती तो इसे समझाओ कि भाई छत इसकी भी होती है, यू बी द जज, इसकी छत होती होगी, ऑब्वियसली छत होती होगी, ये देखिए छत है, लेकिन बात यह हम वहाँ पे जा नहीं ना सकते। ये दोनों तो सो गए, मैंने और सलमान ने पॉम्पी देख के अपना आधा सफर गुजारा और लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर हेयर इन मानसेरा राइट नाउ और यहाँ पे लाइट थोड़ी कम है तो रोलिंग शटर का इशू आ सकता है, सलमान में वॉशरूम गए हैं, उमदा और काशी के सामने खड़े हैं और अभी हमने एक कदर वैन का इंतज़ाम किया जो अभी हमें यहाँ से कागान लेके जाने वाली, ऐसा ही है, ऐसा ही है, उमदा भाई की यस कॉल आ गई, सलमान भाई निकलते हैं तो हमने जाके उस बंदे को रेट पर मनाना है और फिर हमने यहाँ से निकलना, अब पता नहीं उसने हमें मनाना है या हमने उसको मनाना है, बर्फबारी का सीन है वहाँ पे, स्नोफॉलिंग होनी है, नीचे भी मज़ा आएगा ऊपर भी मज़ा आएगा। The idea of this water tap is very smart क्योंकि इससे पानी बहुत कम जाया होता है। BMW में बैठे हुए हैं। BMW में बैठे हुए हैं। किसमें? आम बस में 4x4 BMW में। आम बस। महंगो बस। किसी की किस्मत चंगी है आज, बस बहुत अच्छी जा रही है सानू। हमारे एस्टीमेट से भाई तकरीबन 1.5-1.5 घंटा पहले यहाँ पहुँच गए। ये हैं हुसैन भाई, लेकिन इनकी स्टोरी आप बाद में देखेंगे। हमने पांव रखने हैं, शूज निकाल के बस, मैं शूज निकाल दे अभी निकाल। अस्सलाम वालेकुम, ये पीछे रखो। ओह राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सामान पीछे रख दिया गया है और ये हम बैठे हुए हैं इस टाइम में एक दर्द वैगन सॉर्ट ऑफ, ये काशी भाई की तो भी मैं भी चल रही है अपने घर वालों के साथ, आखिरी बात इनकी चल रही है, मतलब आखिरी बात इस दिन आखिरी बात नहीं इसके बाद मतलब सिग्नल्स नहीं आएंगे, दिन के बाद आखिरी बात, हाँ तो अब सिग्नल्स नहीं आएंगे जितनी देर भी हम आगे रहेंगे कागान, थोड़े आएंगे सिग्नल, थोड़े थोड़े आएंगे वो जितना काशिफ को सुसु आता है उतने आएंगे। और अभी यहाँ से हमने कहीं रुक के नाश्ता भी करना है तो लेट्स सी, यहाँ आँख में मेरे लाइट पड़ रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही,
चाचा कर ला अगली बार याद रखना इन्होंने शुरू से कह दिया करना कि पत्ती चीनी नहीं शक्कर वाली जाम नहीं जबरदस्त बेहतरीन मज़ेदार शक्कर वाली चाय अकॉर्डिंग टू रज़ा भाई मैंने अभी तक पी नहीं है बट आई गेस के ये अच्छी होगी और इन्जॉय करते हैं। मानसेरा के करीब इस छोटे से चाय वाले होटल पे बैठ के ये दोनों हिसाब किताब कर रहे हैं। चाय ख़त्म होते ही हमने कागान की तरफ सफ़र शुरू किया। बालाकोट क्रॉस करते वक्त मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहाड़ों की चोटियों पे ये बर्फ़ देखी। इस हवा की खुनकी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैंने ज़िंदगी को जीने की तरफ सफ़र का आगाज़ शुरू कर दिया है। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, नीचे हम थे तो नीचे बर्फबारी हो रही थी, ऊपर स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है। हमें नीचे भी मज़ा आ रहा था, ऊपर भी मज़ा आ रहा है। लेकिन हमने आपको स्नो फॉलिंग बॉयज रॉक हमें भी आइस भी पड़ेगी, आप उसके ऊपर जामी शीर डाल के खाएंगे हुसैन भाई ने वक्फे वक्फे बाद हमें मौत याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम तो हैं ही खतरों के खिलाड़ी और इस सी पैक प्रोजेक्ट बेस्ड चाइनीज फैसिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। एवरीबॉडी लेट्स नाचो। वेलकम टू कागान। इस होटल का नाम क्या जी? उस्मानिया होटल। और लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल हम लोग आए हैं उस्मानिया होटल में नाश्ता करने के लिए। ये तीन अदर भूखे शोधे लोग यहाँ बैठ गए हैं, चौथा भूखा बैठने लगा है और टेबल का कलर अच्छा है, टील एंड ऑरेंज का बहुत अच्छा कंट्रास्ट आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और बाहर बर्फ देखें, एक मिनट में आईएसओ काम काम करते हैं। ओ आईएसओ आईएसओ यस एज यू कैन सी उनका भाई मुझे ब्लॉग करना सिखाने लगे हैं। इंटरेस्टिंग कंटेंट जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, तुम्हें ना हो। अच्छा, इस कलर से बता किसी को क्या फर्क पड़ता है कलर का क्या, तू बता रहा 4-5 सेकंड तो अपने ब्लॉग के जाया कर। सबसे पहले तू बाहर जा, बर्फ से रख में जा, अंदर जा, पानी। आई अप्रिशिएट इट उनका भाई, लेकिन वो हम दिखा चुके हैं। नाश्ता आ गया, अभी नाश्ता करने लगे हैं। और ये चने, ये पराठे, अंडा और ये सारे तीनों सौदे लोग शुरू भी हो गए। अभी इसके बाद मेरी बारी आएगी और ये यहाँ रखते हैं और आप तक तक हमें टाइमर्स में देख रहे। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन मेरे फ़ोन के ऊपर हम ये ब्लॉग देख रहे हैं कॉन्टीन्यूटी में। ये अंकल रेड सामान पहन के ज़रा ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं, मैं ब्लैक और वाइट के साथ ज़रा बेवकूफ़ सा लग रहा हूँ, बट इट्स ओके। ऑरेंज और पिंक बिल्डिंग है, इसमें मोस्ट लेफ्ट रूम हमारा है। यहाँ पे भी मैं सिर्फ थोड़ा सा चल के ही आया हूँ और सांस फूल रहा है। आपको ये शायद थोड़ी लगे बट मेरे हिसाब से अगर मैं कोशिश करके आप देख सकते हैं ये मेरे घुटने तक मेरा पाउंच के अंदर चला गया है। ओ भैंस की टांग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? आज बर्फबारी का कोई इम्कान है? है हल्की फुल्की। अंदाजन कब तक होगी? 4-5 बजे के करीब। कल भी इसी टाइम होगी या कल सुबह होगी? कल सुबह होगी। और मैं थोड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पे सिर्फ ये वाला पहाड़ ब्राउन है, बाकी हर पहाड़ सफ़ेद है, काला सफ़ेद है, काला सफ़ेद है, मतलब हर जगह बर्फ़ है, सिर्फ इस जगह पे नहीं है बर्फ़। ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन
Finally. Rana Kashif Adil sahab bahir, nahi Salman sahab bahir aa gaye hain. Unza sahab patili ko kuch karne ki koshish kar rahe hain. Kashif sahab abhi bhi andar hi hain. Salman bhai utni thand nahi hai jitni hum soch ke bahir nikle hain. Yaar masla bala kya hai, jab aap bahir hote ho na to temperature aapki body ka synchronize ho jata hai. Jab aap andar chale jate ho na to aap aalsi ho jate ho. Aalsi haan. Aap kuch body part zyada garam hote hain, kuch zyada thande hote hain. Bahir aap thodi movement mein rehte ho to मतलब मुझे मेरे पांव अब गरम है, ठंडे नहीं है. इसलिए गरम है कि अब हमने जब मैं अंदर था पांव ठंडे थे, बाहर आया हूं तो गरम हो गए. अब चल फिर के. ओके जी, वेलकम बैक. इस टाइम हमजा भाई रूम के अंदर अपने लोग में थोड़ी भाई है. काशिफ मैं बहुत चंगा किया बर्तन देखा. पुलाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. काशिफ भाई उनको कंपनी दे रहे हैं. काशिफ भाई डीजे बने हुए हैं और मैं अभी नींद से उठा हूं और मैं ये ब्लॉग कर रहा हूं. रूम के अंदर इतना टेम्परेचर है कि मेरे मुंह से गर्म हवा निकल रही है, बल्कि जब मैं शूज उतारता हूँ तो मेरे पाँव से वो इस तरह की धुआं निकलता. भाई इतनी ठंडा है यहाँ पर. कितना कितना अंदाजन कितना होगा तुम लोग यहाँ टेम्परेचर? इस -15, -16. हमने प्लान किया था कि हम इस जगह पे या यहाँ कहीं पे भी हम बारबेक्यू नहीं कुकिंग करेंगे, बट राइट नाउ सीन ये है कि यहाँ इतनी ठंड है कि यहाँ पे स्टोव चलता ही नहीं है, तो इसलिए अब हम रूम के अंदर कर रहे हैं और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस लाइट के अलावा कोई लाइट नहीं है. मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा. ये बिल्कुल मेरे सामने तारे हैं और यहाँ पे इनके ऊपर बर्फ़ जम चुकी हुई है और बिजली का सिर्फ एक सिंगल फेज कनेक्शन है जिसके ऊपर हमारा एक बल्ब चल रहा है बस. तो अभी बस ये है कि लाइट का कोई पता नहीं कब तक फुल लाइट आएगी ब्राइट. तो 3:15 बजे से जो है वो स्नो फॉलिंग हो रही है और इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 7:30 के करीब टाइम 7 के करीब टाइम हुआ होगा. तो अब आप खुद ही देख रहे हैं 4.5 घंटे से कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्नोफॉल हो रही है. सांस बिला वजह उखड़ रही है यार, पता नहीं क्यों. हालांकि मैंने कोई एग्जर्शन नहीं की बट फिर भी लेकिन अगर देखना चाहें तो ये जितनी स्नो है, ये जो बड़े आराम से मेरा सिर्फ पाँव घुमाने से वापस जा रही है, ये सारी अभी पड़ी है. ये देख रहे, ये इन 4 घंटों में पड़ी है रुई की तरह की. ये देखें, मज़ेदार. लेट्स गो इनसाइड, बाय, बहुत ठंड है. अंधेरे में हमने कमरे के अंदर कुकिंग करके जो पुलाव खाया ना, उसके बाद आए हाय जो नींद आई आपकी सोच है. अब नेक्स्ट डे जो है वो आप पार्ट 2 में देख लीजिएगा. तो दिस पार्ट इज़ टू बी कंटिन्यूड. टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ. टूट जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा.